राजस्थान करौली में संतों की निर्मम हत्या, तेल डालकर लोगों ने आग लगा दिया। इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग, सोनिया सेना, राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा और ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में आकर चिल्लाते थे, ये लोग कहाँ चले गए? क्या साधु की हत्या नहीं होती? साधु के ऊपर तेल डालकर आग लगा देना? महाराष्ट्र पालघर पार्ट टू ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसका निंदा करते हैं और मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ और राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी मुआवजा दिया जाए और जो उनकी 4-5 बेटियां हैं उसको सरकारी नौकरी दी जाए और उसके मुआवजा दिए जाए, क्योंकि वो गरीब जो है साधु वो पूजा पाठ कराकर वो अपने परिवार का लालन पालन करता था। लोग कहाँ चले गए? साधु की हत्या होगी? साधु की हत्या नहीं होती क्या? साधु में जान नहीं होते क्या? साधु से किसी को तो फायदा है नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई पहुँचेगा नहीं। अभी तक अगर किसी मुल्ले की हत्या हो गई होती तो पूरे देश में आग लग जाता, पूरे देश के कुत्ते टीम वहाँ पहुँच जाते, आग लगा देते। और देखिए साधु की हत्या हो गई, कोई नहीं बोल रहा है, सब मौन साधे। अरे सर्वनाश हो जाएगा राजस्थान सरकार, सोनिया सेना तुम्हारी सर्वनाश हो जाएगी। अरे सोनिया एंटोनो माइनो, अरे राहुल बाबा, अरे प्रियंका वाड्रा सर्वनाश हो जाएगी, नाश हो जाएगी, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई करो। महाराष्ट्र पालघर में संतों की निर्मम हत्या होती उस पर किसी ने जबान तक नहीं खोला। उसके बाद देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार में जिस हिसाब से राजस्थान में एक निसहाय गरीब ब्राह्मण साधु की पेट्रोल डालकर लोगों ने आग लगा दिया, उसके बाद सरकार ने न्याय उचित कोई कार्रवाई भी नहीं किया। अभी जो 4 लोग बचे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और उनके परिवार के लोग लाश को रखकर और धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से कि उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि 6 बेटियां हैं और एक मानसिक विकलांग बेटे हैं जिसका भरण पोषण वो गरीब ब्राह्मण गरीब साधु भीख मांगकर करता था, अब वो नहीं रहे, उसका लालन पालन और उसका भरण पोषण का काम कौन देखेगा। इसके नाते सरकार से मांग है हमारी 1 करोड़ रुपया और उसको न्याय उचित जो भी हो सके सुख सुविधा मुहैया कराया जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर हम अनशन पर बैठेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।